हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम जो है आपको इंटीग्रल कैलकुलस का ये आपको लेक्चर फोर होगा। कितना होगा आपको? लेक्चर फोर, जिसमें देखिए आपको हमको पढ़ना क्या है और हमारा आज का चैप्टर क्या होगा। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये आपको छोटा सा देखिए मैं रूल लिख चुका हूँ और ये कुछ स्टाइल है। ये देखिए एक्चुअली में जो है ना, ये हम लोग जो फार्मूला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म पर अगर हो तो सॉल्व करना हमारे लोग के लिए आसान होगा। और इसका कैसे इस्तेमाल करना अभी हम बताएंगे, ठीक है? अगर आप लेक्चर मतलब 1, 2, 3 नहीं देखे इंटीग्रल कैलकुलस का तो देख सकते हैं। उस वीडियोज़ का लिंक हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल 10 है, कहता है कोई फंक्शन है एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स है जो एक्स माइनस अल्फा इस तरीके से, देखिए एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखिए, डिग्री ऑफ नोमिनेटर आपको लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा है ना। इसका ये मतलब है कि ये जो है ना ऊपर वाला जो होगा ना, उसका पावर जो होगा नीचे वाले से कम होगा। मतलब इसका पावर कितना होगा? ज़्यादा होगा, ऊपर वाला का कम होगा। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए लेट इस फंक्शन को मान लेंगे, ये चीज़ ए बट्टा में, बी बट्टा में, सी बट्टा में, तीनों को मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्मल सा इंटीग्रेट, फिर एलसीएम वो चीज़ है तो वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर इसको क्या करेंगे, डील कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसमें आगे बात कर लूँ, क्या बात कर सकते हैं आगे, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, स्टाइल 11 ये कहता है एफ ऑफ एक्स और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डी एक्स बट्टा में वी डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ डिग्री ऑफ, ये डी लिखे हुए, कोई डिग्री का ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा न ले, ज़्यादा स्पेस न ले, इसलिए डिग्री ऑफ नोमिनेटर एंड लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वही चीज़ है। तो आपको नीचे वाला क्या होना चाहिए, आपको बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, पावर पावर। तो चलिए इस तरीके से ये होल स्क्वायर में हो, ये क्या चीज़ है, होल स्क्वायर में अगर आपको, और ये एक्स माइनस अल्फा था, इसको देखिए इसके लिए रूल है, ये छोटा सा रूल है, मान लेना इस फंक्शन को ए बट्टा में, बी बट्टा में एंड सी बट्टा में जो लेंगे ये आपको होल स्क्वायर में ही लेंगे, ठीक है? इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको आपको क्या करेंगे, आपको जिसमें आपको उसी में लेंगे, ठीक है? तो देखिए आपको जो है ये चीज़ का आपको क्या करना है, यहाँ पर हम स्टाइल 11 में काम कर लेंगे। अगर बात कर ले स्टाइल 12 की, किसकी? स्टाइल 12 की, तो आपको ये दिखता नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, छोटा सा काम करते हैं, इसको आपको कैमरा को हम क्या करते हैं, इधर घुमा देते हैं। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसके साथ, स्टाइल 12 है अपने पास, ओके देखिए ये क्या कहता है आपको, ये कहता है कि आपको कोई फंक्शन इस तरीके से एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वो क्वाड्रेटिक है आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए ना, किसी क्वाड्रेटिक का अगर फैक्टर में टूट जाता है तो सोचिए वो इस टाइप में आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा ये सिंपल सा फैक्टर नहीं, ये फॉर्म पे आ जाएगा ना, वो फैक्टर उसका अगर नहीं होगा ना तो आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे जब जिसका फैक्टर नहीं हो। क्या चीज़, ये जो दिया हुआ है ना उसको आपको क्या करना है, एक फंक्शन को मान लेना ए बट्टा में, ये एक्स माइनस अल्फा, ये बी एक्स प्लस सी, क्या लगा हुआ वहाँ पर, ये है बी एक्स प्लस सी, और बट्टा में क्या करेंगे ये वाले पार्ट को, क्वाड्रेटिक वाले को ले लेंगे। एक्चुअली पहले भी आप पढ़े होंगे, डोंट वरी, लेकिन क्वेश्चन जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखें, जो मतलब एग्जाम में पूछ चुका प्रीवियस ईयर का उसे भी उसे सॉल्व करेंगे वो, मतलब और उसके बाद जो अदरवाइज जो क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा उसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियोज आप पूरा देखिए, ठीक है? और आप लोग एक छोटा सा काम नहीं करते हैं और हम बोलते भी नहीं है, एक्चुअल में वो आपको कर देना चाहिए, आपकी ईमानदारी है, शेयर जरूर किया कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, जो भी हो, क्योंकि देखिए अगर व्यूज़ ये सब कम आता रहता तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता रहता, वीडियोज़ बनाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है ना? तो आप ये काम जरूर किया कीजिए, ठीक है? और जो आपकी फॉर्मेलिटी है जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, तो ये सब आप कर दिया कीजिए और हमें बोलने की जरूरत ना पड़े, प्लीज आप ऐसा जरूर कर ले, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, स्टाइल 14 ओ 12 के बाद 13 होनी चाहिए, तो मैं इसे क्या कर देता हूं, 13 लिख देता हूं, 14 लिखा चुका, और ये आपका कितना होगा 13 एंड ये 14। तो अगर आपको ऐसा फॉर्म हो 1 बट्टा में x x का पावर n प्लस माइनस अल्फा, तो आप इस फॉर्म पे जो क्वेश्चन होगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसके लिए रूल फर्स्ट कहता है पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के पावर एन माइनस वन से, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में पुट कर देंगे एक्स का पावर एन बराबर में जेड, ये काम करेंगे। एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा स्टेप पे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सोचते होंगे
सब स्टाइल पे एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देना कोई मुश्किल नहीं था, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आपका ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा और इसी वीडियो में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टाइल 14 कहता है अगर कोई पी एक्स बट्टा में क्यू एक्स हो, अरे भाई सब तो पी एक्स बट्टा में क्यू एक्स है, ये ऐसा दिया हुआ है, नहीं सुनिए, अगर पी एक्स बट्टा में कोई क्यू एक्स हो, लेकिन लेकिन सुनिए ना यहाँ पर, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहता है डिनोमिनेटर, सॉरी सॉरी सॉरी, डिग्री ऑफ नोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बात कर रहा है, राइट। वो कहता है आपको ग्रेटर देन हो, अभी तक अपन देखा लेस देन देखा, यहाँ पर लेस देन देखा, यहाँ लेस देन देखा, मतलब ये आपको क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन की बात कर रहा है, और वो भी किस किस चीज़, इक्वल टू की, किसके साथ, नीचे वाले के साथ, डिनोमिनेटर के साथ बोल रहा है ये। अगर आपको ऐसा हो जाए तो देखिए, अगर ऐसा हो तो अप्लाई करेंगे डिवाइड पी एक्स बाई क्यू एक्स, मतलब क्या, पी एक्स से हम डिवाइड कर दें, मतलब क्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे किसमें, पी एक्स में, मतलब कब कब कब, जब बराबर हो या फिर ऊपर वाला बड़ा हो। जैसे मान लिया ना ऊपर में आपको आ चुका है एक्स का पावर 5 और नीचे वाला कुछ आपको ऐसा आ चुका है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है, ये आपको छोटा वाला चीज़ है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग इसका अप्लाई करेंगे डिवाइडिंग का। एक चीज़ छोटा सा चीज़ है, इसमें दूसरा भी है जो आप पहले भी पढ़ चुके, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी उसको अप्लाई कर चुके हैं। तो मैं क्या करूँ, दूसरा वाले को पहले लिख दो, हाँ बिल्कुल, वो दूसरा वाले को आप अपन क्या करते, मेंशन कर देते। आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीन शॉट, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो देखिए अपने पास जो है आ चुका है, देखिए ये दूसरा नंबर, नीचे फॉर्म जब लिखे थे वो फर्स्ट था, उसी का सेकेंड है, इस तरीके से भी ये आप डिफरेंशियल कैलकुलस में काफ़ी पढ़ चुके होंगे। अगर पी एक्स बट्टा में क्यू एक्स इस्तेमाल करेंगे, क्यू एक्स कोसेंट का चीज, कोसेंट अरे भाई आर एक्स क्यू एक्स, अरे कोई ऐसा वाला फॉर्म नहीं होता, देखिए ना कोई ऐसा लिखा होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में आपको क्या चीज़, पूर्णांक में लिखा गया बस। अगर आप इसे देखिए ना, 3 3 9 2 11, अगर आप चाहे तो इसको 3 + 2/3, एक्चुअल में इसके बीच में बात करें तो क्या होता है, ये क्या होता है, एक जोड़ की तरह ही काम करता है, 3 3 9 2 11, 3 3 9 2 11, मतलब क्या चीज़, एक जोड़ की तरह काम करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, एक डिवाइडिंग वाला चक्कर है और यहाँ पे बस प्लस में, देख लीजिए ये रिमाइंडर, ये आपको डिवाइजर और ये आपको कोसेंट होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड इस वाले एक रूल की बात कर ले, ये स्टाइल 15 है, इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और जो एग्जाम में पूछा हुआ उसे ही सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। ये स्टाइल 15 कहता है अगर कोई इस फॉर्म पे हो डॉट डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है, आगे भी होगा नीचे भी। रूल फर्स्ट कहता है मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर में वाई, क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर बराबर में वाई मान लीजिए, बिल्कुल वाई मान सकते, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यूज पार्शियल फ्रैक्शन, किसका इस्तेमाल करेंगे उसके बाद, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये भाई साहब एक्स स्क्वायर जो है ये बन जाएगा वाई प्लस का ए, एक्स स्क्वायर बराबर में वाई है भाई, एक वाई प्लस का ए, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई प्लस का बी, हाँ। एंड पुट वाई बराबर में एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेट, फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई बराबर में जो था एक्स स्क्वायर वही, उसके बाद अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से स्टाइल 15 हमारा हो चुका है। अब चलते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप मेरी बात का जरूर ध्यान दें, अगर आप जो है क्वेश्चन मतलब आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या चीज़ है मैं बता दूं, कि आप एक्सरसाइज बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लेकिन आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर बना लें। अगर एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं है और एग्ज़ाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पल से ही होता है। तो याद रखिए, देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। आप ये ले लीजिए स्क्रीन शॉट, देखिए ये हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। और आपको कुछ याद आया ये कौन फॉर्म पे हो सकता है, कुछ याद आया तो मैं बता दूं आपको, ये आपको लीनियर है, ये आपको क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक वाला चक्कर है तो आप उसका स्टाइल देख चुके मैं रूल का इस्तेमाल करूंगा। और दूसरा चीज़ कह रहा था ये भाई साहब जो है ना डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो भाई ये स्क्वायर वाला ये एक और भी बैठा हुआ पावर 3 बन जाएगा, ये आपको पावर 1 वाला है, तो वो भी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। अपन को पहले वाले काम में लेट कर लेना, मान लेना ये एक्स बट्टा में लिखा हुआ है 1 + x, 1 + x² आपको इसको मान लेना, क्या मान लेना भाई,
मानना क्या है, तो मान आपको लेना है कि ये x बट्टा में है, मतलब आपको a बट्टा में ये 1 प्लस का x प्लस का b बट्टा में 1 प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, बिल्कुल आपको इतना क्या करना है, आपको मान लेना है। अगर आप इतना कर चुके हैं तो आपको क्या करना, छोटा सा काम कर लेना, इसका क्या करना, लघुत्तम ले लेना, 1 प्लस का x काम कर देना, ये 1 प्लस का x स्क्वायर कर देना, सिंपल सा एलसीएम। एंड अब ये जो है ये इसके साथ मल्टी, ओ ओ ओ सॉरी ये क्वाड्रेटिक है भाई, आप इसको सिंपल से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये देखिए ना ये एक्स स्क्वायर वाला है ना, आपको बी एक्स प्लस का सी, बी एक्स प्लस का सी गड़बड़ हो जाता फिर तो। हाँ सिंपल वाला में जो होता है ना ए प्लस बी प्लस सी, तो वो वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा इस्तेमाल कर लेंगे, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ये इस्तेमाल करेंगे, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। तो आपको ये चीज़ इसके साथ गुना कर लेगा, आपको ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी और ये 1 प्लस का x, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अगर मैं बात कर लूं ये इसके बराबर है भाई साहब, ये इन दोनों की कहानी खत्म, ये वाला पार्ट ये x के बराबर, आप इसे ऐसे लिखिए a इंटू का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ओह 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 बी एक्स प्लस सी 1 प्लस का x। राइट नाउ अब देखिए हमारे पास ये x है, अब मैं बता दूं यहां पर आपको करना क्या है कि पहले तो पुटिंग वाला चक्कर, x का मान माइनस वन, क्यों, क्योंकि भाई देखिए पुटिंग कर देते हैं, पुट कर देते हैं पुटिंग x बराबर में माइनस वन, ये आइडिया कहां से आया, आइडिया यहां से आया 1 प्लस एक्स, अगर आप 1 प्लस एक्स बराबर में शून्य करते तो x का मान क्या चीज माइनस का वन, तो जीरो बना दे जो, लेकिन ये वाले में भाई साहब ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कैसे चक्कर लगाएंगे यहां पर, यहां पर तो चक्कर लगने वाला नहीं है ये वाला, तो यहां पर इक्वेटिंग वाला लगेगा, इक्वेटिंग उसकी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चलिए ना मैं काम करता हूं ना, यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पर a इंटू का 1 प्लस माइनस वन का स्क्वायर भाई प्लस वन प्लस, अच्छा ये यहां पर माइनस वन, माइनस वन प्लस वन भाई भाई बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस वन प्लस का सी और ये वन माइनस वन, ये तो जीरो और यहां पर माइनस एक्स के जगह पर माइनस वन। अब हम इसमें बात कर ले कि ये टू है, ये तो जीरो, वन में से वन गया जीरो, ये टोटली पार्ट जीरो बराबर में माइनस वन, तो ए बराबर में बताइए तो माइनस वन बट्टा में टू, अभी ए का मान निकला, अभी बहुत सारा मान निकालना बाकी है बी और सी। तो देखिए ए तो निकाल चुके अपन, अब मैं बी मान निकाले कैसे, कैसे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग मैं बोल दूं यहां पर इक्वेटिंग द राइट, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ भाई किसको इक्वेटिंग करे, तो सबसे पहले आपको यहां पर एक्स स्क्वायर वाले को इस सबको पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ जाएगा ठीक है ना, तो कुछ होने वाला है। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशियंट, कोफिशियंट को इक्वेटिंग करते हैं, अगर कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे तो उसके लिए छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते क्या काम करना है, सबसे पहले मैं क्या कर दूं इसको इस साइड के मिटा देता हूं। अब मैं यहां पर आपको क्या करूंगा, ये देखिए कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स वाले को इसको ना, तो आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी कर सकते, डोंट वरी, तो एक नॉर्मल सी चीज है, आप गुना भी कर सकते। देखिए ए को गुना किया ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गुना कर लीजिए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, गुना कर रहे नॉर्मल गुना मेरे भाई, सी प्लस सी एक्स, इसको इससे गुना किया बी एक्स, इसको इससे बी एक्स स्क्वायर, सी को सी से सी एक्स, अब बराबर में एक्स, दिक्कत नहीं होगा यहां पर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्यों, तो देखिए अब आपको जो है पूरा फाइनली दिख रहा होगा, अगर आपको ये इस तरीके से है, ये अजीब दिख रहा है क्या, बराबर में एक्स है, अब मुश्किल नहीं है, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर लीजिए, तो ए प्लस का बी ये वाला और एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को ये एक्स है, सी एक्स बी प्लस का सी इंटू का एक्स, ए प्लस का सी और बराबर का आपको एक्स आ चुका। देखिए एक्चुअली में हम यहाँ पे बात कर लेना, तो आपको जो है ये ए बी एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स वाले को इक्वेटिंग कर
आपको अपने अनुसार देख लीजिए, अपने को जो मान मालूम है ए का मान मालूम है, इक्वेटिंग करना ये चीज बाद में लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद अब इक्वेटिंग का चक्कर आएगा ना। ध्यान देखिए, अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी बराबर में आपको जीरो आ जाएगा, तो मतलब बी का मान निकल जाएगा, ये भी अच्छी बात है। इक्वेटिंग कर लेंगे इससे, इक्वेटिंग द कोफिशियंट, कोफिशियंट मैं लिख रहा हूं यहां पर किसका, एक्स स्क्वायर का, दूसरा हमको ये वाला एक्स वाला, एंड एक्स कॉन्स्टेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा इस पर अपना। आप इक्वेटिंग कर लीजिए, ये a प्लस बी बराबर में जीरो, a का मान माइनस वन बट्टा टू, बी बराबर में जीरो, तो b का मान प्लस का वन बट्टा में टू। एंड आगे हम बात कर ले यहां पर, आपको देखिए ये b प्लस सी, आप b प्लस सी बराबर में अगर जीरो करते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे, b बराबर में आपको, अच्छा आप बात कर ले b का मान, b का मान आपको वन बट्टा टू पता है, डाल दीजिए यहां पर वन बट्टा टू, सी बराबर में जीरो, अपने पास जो है यहाँ पर c का मान क्या आ जाएगा, माइनस वन बट्टा में टू आ जाएगा। ये एक्चुअल में बात कर ले तो ये c का मान आ चुका, डोंट वरी। आगे हम इसमें क्या कर ले भाई, हाँ कुछ कुछ करते हैं ना, देखिए ना, c का मान तो अपन निकाल चुके हैं, ए बी सी का मान आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, देखिए कहाँ पे, इसको इक्वेशन वन भी नाम दे सकते थे, इक्वेशन वन नाम दे देंगे तो पुटिंग इन, जो भी काम किया इक्वेशन वन में ही पुट वर्क, ये वाला चक्कर काम किया। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ है, अगर आप इसमें बात कर लेना ए बी सी, मतलब आपके पास जो माने थे एक्स बट्टा में वन प्लस का एक्स, वन प्लस का एक्स स्क्वायर, अगर मुझे अगर इसमें हम बात कर ले ए का मान, ए का मान, ए का मान कितना है, माइनस वन बट्टा टू, डाल दीजिए यहाँ पर माइनस वन बट्टा में टू और ये वन प्लस का एक्स, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर आ चुके हैं। B का मान, अच्छा B का मान वन बट्टा टू, वन प्लस का एक्स स्क्वायर, बी का मान वन बट्टा टू, एक्स सी का मान माइनस वन बट्टा में टू। अब तो अपना मंजिल करीब आ चुका है मेरे भाई, अब आपको दिक्कत नहीं है, यहां से इंटीग्रेट की बात होती है, मैं इंटीग्रेट कर दूं, देखिए इंटीग्रेट लगा देंगे तो यहां पर क्या होगा, ये एक्स बट्टा में वन प्लस का एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आप इसको बाहर निकालिए माइनस वन बट्टा टू और यहाँ पर डी एक्स बट्टा में वन प्लस का एक्स, या फिर आप डी एक्स नहीं तो वन बट्टा में डी एक्स काम कर सकते हैं, प्लस डाल दीजिए वन बट्टा टू कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वन बट्टा में आपको वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए आप बहुत करीब आ चुके हैं मंजिल के, अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट, आपको छोटा सा काम करना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका ये टोटल आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप जो है क्या कर चुके हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, देखिए छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, ये बी प्लस सी बराबर में जीरो हो चुका था, एक्चुअली में जो एक्स का कोफिशियंट है कितना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं तो वन तो गुना होगा, बराबर में वन, अगर बी प्लस सी बराबर में वन है तो यहाँ पर आपको वन डालेंगे, तो c का मान देखिए वन माइनस का, वन माइनस का वन बट्टा टू, दो में से एक गया तो एक, c का मान आपको वन बट्टा टू हो चुका है, एक्चुअल मान आपका ये हो चुका है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना आपको c का मान प्लस वन बट्टा टू है, राइट। आगे मैं बात कर लूँ इसमें, तो मैं अब क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं ना, छोड़िए ये चीज़ हम क्या करते हैं, आपको मिटा देते हैं, और इसके बाद जो अब हम जो काम करने वाले हैं, क्या चीज़ ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, और यहाँ पर क्या कर ले, देखिए अगर आप जो है इस चीज़ की बात कर ले, मतलब जो आपको बराबर में माइनस वन बट्टा टू है, ये पार्ट है ना, नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल छोटा छोटा दिखता होगा, हाँ ये वन इसका तो आपको आसान है, वन बट्टा में वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, भाई इस चीज़ की बात कर ले तो अलग अलग कर लीजिएगा, तो ये आपको सेपरेट कर दीजिए ना, ये इसके 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 डिवाइड में, एक्स बट्टा में वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वन बट्टा में डी एक्स, मतलब वन बट्टा में वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स। अब आपको यहाँ पर मुश्किल की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एक्चुअल में आप काम कर ले तो इसमें देखिए ये इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर में है तो काम बन जाएगा, मतलब दो से गुना भाग करना पड़ेगा ना, देखिए ना ये टू एक्स इसका आ रहा है, टू एक्स ऊपर ला दीजिए डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, ये टू एक्स है ऊपर डिफ्रेंशिएशन इसका, भाई तो टेन वाला फॉर्मूला होता है, लगाइए ना यहाँ पे माइनस वन बट्टा टू, ये लॉग वन प्लस एक्स प्लस दू दू कैंसिल, और ये आपको लॉग नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, नीचे वाला वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बट्टा टू
वन बट्टा ए, ए के जगह पर तो भाई वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स वाला, वन बट्टा वन टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, मतलब आपको एक्स से हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट भी जोड़ दे क्या, लगाई दीजिए का करिएगा आ यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ आप क्या करेंगे, यहीं पे ऐसा रहने दीजिए ना, काहे उतना टेंशन लिए हुए आओ। इसमें भी था छोटा मोटा काम कर सकते थे, मतलब आपको एम बाई एन वाला मतलब कॉमन उमन लेकर, अच्छा वो वाला भी काम कर सकते डोंट वरी, लेकिन आप यहाँ पर भी इसको आंसर छोड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, तो ये आपको क्या हुआ, आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हुआ। ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, इसका क्या काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर टू है, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वन ये पूछ चुका आपको LNMU, मतलब आपको मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, कब 2016 और 2019 में पूछा गया है। तो देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को, ऐसा करिए सबसे देखिए एक्स क्यू प्लस वन है, ऐसा में कोई मतलब कोई किसी प्रकार का रूल नहीं लिखा है। आप एक चीज़ जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा फार्मूला होता है। मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला का यहाँ पर अप्लाई करूँगा, देख लीजिए। तो आप क्या करना है, डी एक्स ऊपर में रहन दीजिए, नीचे वाले में ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस का वन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स बी मतलब वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना होता, वन होता है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखता हूँ। आगे देखिए आपको जो यहाँ पर डी एक्स बट्टा में ये देखिए, ये आपको लीनियर, ये आपको क्वाड्रेटिक, अगर आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक है देन आप बताइए क्या होगा, यहाँ पर क्या फॉर्म बनेगा, लीनियर क्वाड्रेटिक है मेरे दोस्त। तो आप यहाँ पर करिए क्या कि आपको जो है यहाँ पर इसको लेट कर लीजिए, ये हम लोग स्टाइल देख चुके हैं, कौन सी स्टाइल देखिए, मतलब आपको जो है इस टाइप का आप ऐसा कर लीजिए डी एक्स बट्टा में, मतलब आपको है यहाँ पर लेट वन बट्टा में एक्स प्लस का वन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन बराबर में, अपन क्या करते हैं इसे लेट कर लेते हैं, ठीक है, ए बट्टा में एक्स प्लस का वन बी बी एक्स प्लस सी बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन, कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी आपको। यहाँ पर आगे देखिए, आगे मैं इसमें क्या कर दूँ, तो आप मुझे ये बताइए, ओ मान तो ले चुके, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ए नीचे वाले का लघुत्तम एक्स प्लस का वन और इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन, और ये इससे मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ओ माई गाड थोड़ा खतरनाक हो रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस का सी और एक्स प्लस का वन, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अपन हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर काम कर चुके हैं, इसका और इसका काम कर चुके हैं। आगे इसमें हम लोग देख लेते, देखिए आगे आपको करना क्या है इसमें, अच्छा एक चीज़ है, आप इतना कर चुके, ये चीज़ बराबर हो जाएगा इस वन के, मतलब आपको फाइनली आप लिखेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस का बी एक्स प्लस का सी, अब यहाँ पर आपको सी तो अच्छे से लिख देते हैं सी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओ ये एक्स प्लस का वन ना, एक्स प्लस वन बराबर में आपको वन, देखिए आप इसे इक्वेशन मतलब आप इसे इक्वेशन भी मान सकते, जो भी इक्वेशन आप मानिए वन मान सकते, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात कर लेते हैं, देखिए करना क्या है, अब इसमें इतना तो हो चुका है बस, अब यहाँ पर हम लोग का जो चक्कर चलेगा ओनली वन पुटिंग का चक्कर होगा, क्या चीज़ का, पुटिंग का, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं कैसे आपको पुट करके यहाँ पर आपको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पर से आगे 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 इसमें इसमें पुट पुट एक्स प्लस वन है, मतलब एक्स बराबर में माइनस का वन पुट कर देते हैं, शून्य तो आसानी से हो ही जाएगा अपना, तो ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर, अच्छा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता तो प्लस वन, और माइनस माइनस प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस का सी, बी गुने का माइनस वन एंड प्लस का सी, ओ माई गाड ये माइनस वन प्लस वन इज अ जीरो बराबर वन, एक्चुअली बात करें तो ये टोटली पार्ट आपको जीरो बन चुका है, अगर ये जीरो है तो इसकी बात कर ले तो कितना होगा, हाँ इसकी अपन बात कर लेते, दिक्कत की बात नहीं है, ये आपको एक 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 थ्री है बराबर में वन, तो एक अमान यहाँ से कितना निकल चुका है, वन बट्टा में तीन, ये जो आपका आया ये आपको एक अमान निकला। अब मैं इस एक अमान से अब क्या करेंगे, आपको आगे हम इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है।
तो चलिए आप क्या कर लेते हैं, इस साइड में आपको क्या करेंगे, इसका अपन काम करेंगे। देखिए ये मेरा लाइन पड़ चुका है यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ काम करेंगे। मतलब आपको क्या है, अब निकालना है इसको। अच्छा इसको निकाले तो कैसे निकाले, ये तो x प्लस वन बराबर में जीरो। अब एक अच्छा सा ऑप्शन है इक्वेटिंग का, क्या करेंगे इक्वेटिंग का। तो मैं बोल दूँ यहाँ पर लिखूँ इक्वेटिंग, चलिए देखिए इक्वेटिंग द कोफिशियंट, कौन सा कोफिशियंट को इक्वेटिंग करेंगे मेरे दोस्त। तो देख लीजिए आप, ये एक्स स्क्वायर एक्स, अच्छा सर आप इसमें गुना करके भी काम कर सकते थे, डोंट वरी, लेकिन इक्वेटिंग हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स का कॉन्स्टेंट वाला आएगा तो देख लेंगे, अगर ज़रूरी पड़ा तो वहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए इक्वेटिंग का चक्कर लगाते हैं यहाँ पर। आपको देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है ना, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ करिए, ए यहाँ पर गुना होगा एक्स स्क्वायर, और भी कहीं पर आएगा, बी एक्स को एक्स से गुना किया, बी एक्स स्क्वायर मतलब बी एक्स स्क्वायर राइट नाउ। अब मुझे बताइए एक्स वाले को, ए को इससे गुना करेंगे तो माइनस का ए एक्स, मतलब आपको ऐसा कर लीजिए ना, प्लस लिखिए माइनस का ए डालिए, एक्स वाले को कॉमन ले रहे हैं, एक्स वाला इससे गुना करेगा बी प्लस का बी, आगे आपको क्या करना है, सी को गुना करेगा प्लस का सी एक्स। आप कांस्टेंट की बात कर ले, ये ए इकाई ए एंड आपको जो है ये सी इकाई, अच्छा इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, इसको इसको और इसको इससे, मतलब आपको सी बराबर में कितने होगा, बराबर में वन होगा, तो वन डाल देंगे हम लोग यहाँ पर। वन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाने का उपाय कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो आप आगे इसमें क्या कर लेंगे ये मुझे बताइए, तुम एक्स स्क्वायर वाला ये है ना, एक्स स्क्वायर वाला ये है ना, मतलब ये ए प्लस बी बराबर में आपको क्या करना, उधर तो कुछ एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं है, मतलब शून्य एंड ए बराबर में माइनस का बी, एक्चुअल में हमको मान के, अच्छा ए का मान तो पता ही था ना, हाँ तो ए का मान पता था तो बी को क्यों अकेला करे, ए के जगह पर आपको कितना है 1/3 है, प्लस बी बराबर में जीरो, बी का मान आपको -1/3। अगर आप आगे बी के बाद किसकी बात कर ले, अपने सी की बात कर ले, ओह हो कॉन्स्टेंट वाला ले लीजिए ना, ए प्लस सी बराबर में जीरो आसानी से हो जाएगा, एंड कॉन्स्टेंट लगा दीजिए कॉन्स्टेंट। तो आगे हम बात कर ले ए प्लस सी बराबर में जीरो, वन कॉन्स्टेंट में वन है, तो ए का मान 1/3 है, 1/3 प्लस सी बराबर में वन, सी बराबर में 1 - 1/3 तीन इकाई तीन 2/3, ये आपको सी का मान निकल गया फाइनली। देखिए ए बी सी, अब हमको मान क्या करना है, सब्सिट्यूट करना, पुट करना है, स्क्रीनशॉट आप उस साइड का लेना चाहते ले लीजिए। चलिए अपन सब्सिट्यूट कर देते हैं, मतलब आप माने थे किसको लेट किए थे, 1/3 एक्स प्लस का वन, मिटा चुके ऊपर वाला पोर्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था प्लस वन, मतलब आपको इस तरीके से था, इसको अपन लेट किए थे ए बट्टा में बी बट्टा में सी बट्टा में, तीनों मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। ए का मान बोलिए 1/3 था, अपन ए का मान 1/3 निकाले हुआ था, और एक चीज़ है वहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन में क्या था, मैं आपको इक्वेशन क्या करता हूँ आपको देख लेता हूँ, ये चीज़ था ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए का मान आप देखिए 1/3 एक्स प्लस का वन एंड प्लस बी, बी का मान मुझे बताइए, ओ बी का मान तो पुट करना है ना, बी का मान आपको -1/3 डाल दीजिए, और x प्लस सी का मान आपको 2/3 रख दीजिए, एंड आपको एक्स स्क्वायर ये रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन। अब मुझे ये बताइए ये इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम ले लो, बड़ा ख़तरनाक बन जाएगा ये। अब ऐसा करिए ये 1/3 इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ है, अगर आप इंटीग्रेट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम उस इंटीग्रेट को ये लेट करके अपन काम किए थे, किस इंटीग्रेट को, इसको देखिए उसी के बराबर में ये आया ना, 1/3 एक्स क्यू प्लस वन इंटू डी एक्स को तोड़ा था अपन, मतलब इसको इसी को ना अपना इतना लाया, 1/3 अलग अलग लीजिए, डी एक्स बट्टा में एक्स प्लस का वन, ये तो आसान है, लेकिन आप इसकी बात कर ले, ओ ओ ओ ओ ये -1/3 है, एक्चुअल में हम लोग करें तो क्या करें -1/3 कॉमन ले लेते ना, बेहतर होगा इनमें, एक्स माइनस का 2/ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब आगे करे तो क्या करे, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। अब जो है अपन ऐसा कर लेते हैं ना, 1/3 इसको लेकर चले, मतलब बार बार भगवा के लेकर चलेंगे, या फिर आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा लॉग एक्स प्लस वन का, इसका 1/x का लॉग एक्स होता है सिंपल सा,
ये माइनस वन बटा तीन रहने दीजिए, दो से गुना भाग कर दिया, टू एक्स माइनस का चार कर दीजिए, हटाइए, फिर देखते क्या लॉजिक मिलेगा। दो बटा तीन, ये टू एक्स माइनस वन, आ हा हा अब मिल गया, अब मिल गया, अब मिल गया, माइनस वन वाला ये हो गया, टू एक्स माइनस वन माइनस तीन माइनस वन माइनस चार, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब कोई खास यहाँ पर चीज़ नहीं है, हाँ सच बोल रहे, कोई खास चीज़ नहीं है। कैसे, तो देखिए अगर आप बात करें तो ये वन बट्टा थ्री लॉग एक्स प्लस वन वाला चक्कर जो है चलेगा ही, इस वाले में बात कर ले माइनस दो बट्टा तीन, ये एक वाले के पार्ट आ जाएगा, टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस तीन, तीन के बट्टा में जो है, ओ हम तो अलग अलग यहाँ पे खेल खेल रहे ना, माइनस थ्री बाहर आया और माइनस दो बट्टा तीन दोनों के साथ है भाई, ये इसके साथ आएगा तो ये इसके साथ भी तो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, ये द्वितीया छः बट्टा में तीन, और ये आपको डी एक्स बट्टा में या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा तरीका लगा यहाँ पर, लेकिन आप इसको कैसे तोड़ेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर लाकर इसकी कहानी को रफा दफा कर देते हैं। एक्चुअल में मैं क्या कर लूँ, इसको मिटा दूँ, क्योंकि ये आपके ज़रूरत का अब नहीं है। कैसे, तो पहले आप इसे स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, तो देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, अब मिटा देता हूँ, ये आपका क्या हो चुका है, फाइनली मिट चुका है। हम इसमें आगे कर तो क्या ले, अच्छा ये तीन दूनी छः कटेगा, ये वाला अच्छा इसको भी तोड़ लेते ना, आप कहाँ लेकर बवाइएगा इसको, वन बट्टा तीन ये वाला लॉग एक्स प्लस वन, थोड़ा ये बड़ा होता है, अब देखिए ना पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, थोड़ा बड़ा होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये आपको क्या है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अरे भाई आपको जो है नीचे वाले का आपको डिफ्रेंशिएशन एक्स का वन पता रहता है, लॉग एक्स लिखते हैं ना, हाँ इसका डिफरेंशिएशन वन ऊपर मालूम है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मालूम है, इसका मतलब लॉग, या फिर एक छोटा सा ऑप्शन मैं बता दूं, आप इसे क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, अगर इसे आप मान लेते हैं, मान लिया टी, वापस से वही चीज़ आ जाएगा, लॉग में ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन ये आ चुका है। देन आप आगे मुझे ये बताइए, ये देखिए ये छः बट्टा तीन है, तीन दूनी छः, मुश्किल नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, इसकी हम बात कर लेना, इसकी हम बात कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं, अच्छा थोड़ा अच्छा होगा, ये आपको डी एक्स में, मतलब डी एक्स बट्टा में या वन बट्टा में, आगे का पोर्शन नहीं दिखेगा, मैं क्या करता हूँ ये काम नीचे से कर देता हूँ, यहाँ से ये आप ऐसा कर लीजिए, ये प्लस का टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, नीचे लिख दिए, ये वाले पार्ट को अपन क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, वन बट्टा में ए स्क्वायर माइनस टू, ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर वन, ओह माय गॉड, वन बाई टू करेंगे तभी तो ये कटेगा, दो दो कैंसिल एक्स होगा, वन बाई टू का स्क्वायर जोड़ देंगे, वन बाई टू स्क्वायर घटा देंगे, और यहाँ पर प्लस का वन डाला हुआ है तो अपन प्लस का वन भी लिख दिया। ये देखिए कहानी लंबी है लेकिन मस्त है। अब मैं बता दूं, ये चीज सिमिलरली चलेगा मेरे दोस्त, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मैंने इसको दोनों को तोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया पहले, हाँ पहले इंटीग्रेट कर चुका हूँ। अब मैं यह बात कर लूँ, आप चाहे तो इंटीग्रेट साथ में लेकर चल सकते हैं और एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन बट्टा थ्री लॉग एक्स प्लस का वन और माइनस दो बट्टा में तीन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन। अब बात कर ले इस वाले पोर्शन की भाई, तो करे तो क्या करे, इसमें आ चुका अपना मंजिल आ चुका, आपको यहाँ पर धैर्य रखना है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, वन बट्टा में x माइनस वन बट्टा टू का होल स्क्वायर, ये माइनस वन बट्टा में टू प्लस वन, ऐसा मत सोच लीजिएगा, माइनस वन बट्टा टू मतलब एक बट्टा चार ना, माइनस एक बट्टा चार, अब लघुत्तम लेंगे छोटा ऐसा, तो ये आपको माइनस वन प्लस चार बट्टा में चार, तीन बट्टा में चार, वो भी प्लस में, चार में से गया तो प्लस का तीन होता है ना, प्लस का तीन डालेंगे यहाँ पे, प्लस का तीन बट्टा चार। अब तो ये टेन का फार्मूला बनेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा इसको, वन बट्टा थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस दो बट्टा तीन लॉग एक्स स्क्वायर, थोड़ा लंबा चलता है ये, इसमें कोई दिल की बात नहीं है, मतलब दिल पर नहीं लेना, ये चीज़ थोड़ा सा लंबा होता है, ये प्लस का टू डालिए,
ये फॉर्मूला बनेगा टेन का भाई, ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, लेकिन रूट थ्री बट्टा में टू लिखेंगे तो ये ए का काम करेगा। मैं अभी मिटा देता हूँ ना, रूट थ्री बट्टा में टू लिखेंगे तो ये ए का काम कर जाएगा। देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस आपको ए स्क्वायर, और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, एक्स बट्टा है वन बट्टा ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा है, उसका फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेट करते जब, देन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि टेन इनवर्स, अच्छा वन बट्टा ए कौन लिखेगा, ए के जगह पर अपना ये पार्ट है, वन बट्टा में रूट थ्री बट्टा में टू इज द टेन इनवर्स एक्स बट्टा में, ये टोटल पार्ट एक्स माइनस वन बट्टा टू बट्टा में रूट थ्री बट्टा टू। अब देखिए ये चीज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिर छोटा सा काम करेंगे, ये टू पर पलटी मारेगा, ये देखना टू ऊपर जाएगा कटेगा, ये टू लघुत्तम लेने के बाद टू एक्स माइनस वन बट्टा में टू रूट थ्री बट्टा टू, इसका भी टू कट जाएगा। आप चाहे तो पलटी मार के भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपको, अच्छा यहाँ पर एक लाइन टान देता हूँ, क्यों ये लाइन, इसलिए कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना दो, ये चीज़ को पहले लिख देते हैं, वन बट्टा थ्री हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, लॉग एक्स प्लस वन माइनस दो बट्टा थ्री चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये वाले पार्ट को प्लस डाल दिया नीचे, मैं अब इसको क्या करूं, लघुत्तम लेने के बाद इसका टू भी मान लेना कट गया, टेन इनवर्स ओ माय गॉड ये वन बट्टा रूट थ्री है, इससे तो कैसे भूल जाएंगे, इसे भूल गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे वन बट्टा रूट थ्री मेंशन करना पड़ेगा और टेन इनवर्स यहाँ पे लिखना है। फिर ये टू एक्स माइनस वन, 2x माइनस वन बट्टा में रूट थ्री, तो ये क्या हुआ आपका, फाइनली क्या हो चुका आपका सॉल्यूशन, मतलब आपको हल हो चुका है। देखिए थोड़ा सा इधर उधर गया होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप बनाएंगे, छोटी सी छोटी बात समझ में आ जाएगी पक्का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाँ ये 2013 में मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया, किसमें, मिथिला यूनिवर्सिटी में, और हम लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम जो पूछा हुआ उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज जो नहीं पूछा, मतलब जो अपने को लगता है इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, उसे भी क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर तीन, तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेट कर लेना है, देखिए आपको क्या, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन लेकिन वो वाला नियम तब लगाएंगे जब कोई फैक्टराइजेशन ना हो, जब फैक्टर ना टूटे वो क्वाड्रेटिक, ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, टूटेगा ना, तो हम लगा सकते ना। देखिए आप लगा सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर में एक्स इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर में जो चलेगा ए बट्टा में एक्स बी बट्टा में एक्स प्लस वन और सी बट्टा में अपना एक्स माइनस वन, आप दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको क्या करना है, लघुत्तम ले लेना x इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एंड आपको जो है यहाँ पर ये इससे ये खत्म, ये दोनों गुना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन बी ये वाला खत्म, ये दोनों गुना, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ये गुना मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस का वन प्लस सी डालना है, और ये वाला खत्म, ये आपको आ चुका है एक्स इंटू एक्स प्लस का वन आ चुका है, देन देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि ये दोनों आपका सेम है, यहाँ पे डालिए एक इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स और एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स और एक्स प्लस का वन, और बराबर में हमारा क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ चुका है। देखिए आप चाहे तो इसे इक्वेशन भी मान सकते हैं, अगर नहीं माने तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देन आप इसे इक्वेशन वन मान लेंगे तो आप क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप एक्स है, आप एक्स बराबर में कितना डालेंगे, कितना, जीरो, तो आपका काम होगा, एक्स का मान प्लस वन है ना, तो एक्स का जगह पर माइनस वन डालेंगे, एक्स माइनस वन है ना तो प्लस वन डालेंगे, ऑटोमेटिक तीनों मान निकल जाएगा, इज अ सिंपल। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये वाले में ना एक्स बराबर में पुट, एक्स बराबर में जीरो इन फर्स्ट, लिख दिए फर्स्ट तो लिख देते हैं, मेंशन कर दिया, जीरो डालो भाई, ये जीरो माइनस वन, ये भाई जीरो, यहाँ पर जीरो डालेंगे, ये जीरो यहाँ पर डालेंगे जीरो, मतलब आपका जीरो प्लस जीरो बराबर में जीरो प्लस का वन, देन आपको आ चुका ये, बिल्कुल ये माइनस ए बराबर में वन, तो ए का मान माइनस का वन, लेकिन एक चीज़ है, ए का मान आपको माइनस वन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान तो आ चुका है, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे, बी के लिए अगेन पुट कर देते हैं, पुट एक्स बराबर में माइनस का वन इन फर्स्ट, किस में पुट किया,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, x के बराबर कितना माइनस वन। देखिए ये a इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये वन माइनस वन जीरो, हटाइए ना, मैंने इसे लिख दिया a इंटू जीरो, डोंट वरी। चलिए कहानी खत्म करिए, एंड इसकी बात कर ले, यहां पर आपको माइनस वन डालना है, मतलब आपको b इंटू माइनस का वन राइट, और यहां पर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज अ माइनस का टू, एंड ये अच्छा यहाँ पर अगर माइनस वन आएगा ये c इंटू माइनस वन तो होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन आएगा तो माइनस वन प्लस वन जीरो, मतलब c की कहानी खत्म, c गुने जीरो और बराबर में अपना क्या चलेगा। अच्छा थोड़ा ज़्यादा नीचे आ चुका है क्या, ज़्यादा नीचे आ चुका। मैं क्या कर देता हूँ ना, देखिए ना, प्लस डाल देता हूँ c इंटू जीरो बराबर में, अच्छा यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब है प्लस प्लस आपको टू हो चुका है, वन वन टू, अब दिख रहा है ना, हाँ दिखना चाहिए। अब देखिए मैं बता दूं, ये वाला पार्ट अपना बचा हुआ है, मैं इस गली में आऊँगा, ये तो जीरो, ये माइनस बी और माइनस का टू, मतलब प्लस का टू बी, और बराबर में आपको दुई का है, दुए है ना, और बी बराबर में टू बाई टू इज अ वन, अपना आ चुका है बी का मान वन। अगर वन आ चुका है बी का मान, दिक्कत ही नहीं है, बी बराबर में वन आ चुका है। अब आप जो है अगेन पुटिंग कर देते हैं, क्या x बराबर में माइनस वन इज द x बराबर में प्लस वन, और इन फर्स्ट अब चलिए ये अपना ये वाला फर्स्ट कहाँ गया, ये वाला फर्स्ट है, मतलब आपको कितना डालना वन भाई, वन माइनस वन जीरो, मतलब a गुने का जीरो, यहाँ पर वन माइनस वन जीरो, मतलब b गुने का जीरो, c यहाँ पर c का ही c, वन प्लस वन बराबर में वन का स्क्वायर प्लस वन, या टू सी बराबर में टू, सी बराबर में दो बट्टा दो इज सी का मान आपको हो चुका है वन, ओह सी का मान भी वन हो रहा है, क्यों, हाँ सी में एक्स माइनस वन था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मान सेम ही होगा, क्या दिक्कत है। आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, देख लीजिए, आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ तक लिखा हुआ ये पार्ट, ओके ना, अच्छे से लीजिए। अपन क्या कर लेते हैं, मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए ए का मान माइनस वन, बी का मान वन, सी का मान वन, यहाँ पे पुट कर दे तो आपको पास एक्स स्क्वायर प्लस, ये मैं मिटा चुका हूँ ये पोर्शन में, हाँ अब नया से आपको काम करना है, इसके नीचे यस यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, आपको एक्स इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन है, देन आपको ए के जगह पर माइनस वन बट्टा में एक्स, और बी के जगह पर वन बट्टा में एक्स प्लस वन, एंड सी बट्टा में वन एक्स माइनस का वन, देन देखिए आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इंटीग्रेट, अगर आप इंटीग्रेट करते तो क्या लिखेंगे, ओ इसी को ना लिखे थे, लिखिए ना इंटीग्रेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडिंग में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन आपको डी एक्स, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट में वन बट्टा एक्स, और आपको एक चीज़ है, मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ ना, अलग अलग काम करो, ये चीज़ नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट है, यस ये वाली पार्ट दिखनी चाहिए, मैं इसे मिटा दूँ, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx डालना है ना अपने को, और यहाँ पर आपको 1 बीटा में x प्लस वन एंड dx प्लस c बट्टा में आपको x माइनस वन, अरे इंटीग्रेशन नीचे कैसे, x माइनस वन इज अ dx, ये इंटीग्रेट का चिन्ह है, लगता है जैसे कि कोई लाइन है, हो चुका है ना काम, बन जाएगा अपना, ये माइनस का log x, ये प्लस का log x प्लस वन, ये प्लस का log x माइनस वन, प्लस का c, अच्छा कॉन्स्टेंट में हम क्या कर दे, c जोड़ दे, एक्चुअली में जो बात करें ना log c भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे जनरली बुक में जो है ना मतलब नहीं भी जोड़ता है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ है log n इंटू log n का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये तो आप लगाइए, ये माइनस का log x है ना, रहन दीजिए इसके साथ बाद में खेलेंगे, ये log a log m इंटू log n, मतलब log m प्लस n x प्लस वन इंटू x माइनस का वन, ये log m इंटू log n मतलब log m प्लस n m इंटू n, ये a प्लस b a माइनस b, मतलब आपको बन चुका है log ये x स्क्वायर माइनस वन, भाई वन का स्क्वायर वन ही होता ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का log x, देख रहा है ना। अब मुझे ये बताइए, ये log m बाई n का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये माइनस वाले को बाद में, m बाई n का फॉर्मूला लगेगा, मतलब m का मतलब x स्क्वायर माइनस वन बट्टा में x, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हम और भी कुछ काम कर सकते हैं, छोटा छोटा और भी काम करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर जो है इसके इसके डिवाइड में भेज सकते हैं, ये छोटा सा काम कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पर लॉग मेंशन कर देते कहाँ पे हो,
ये इंटीग्रेट खत्म हुआ। यहाँ पर लॉग सी मेंशन कर देते ना, प्लस का लॉग सी मेंशन कर दे तो आप भी समझ सकते हैं, एक चीज नॉर्मल चीज है, ये लॉग एम ये लॉग एम इंटू लॉग एन वाला जो फार्मूला होता है ना, ये तीनों ये भी इंटू में आ जाता, यहाँ पर इंटू में आ जाता, कॉन्स्टेंट आ जाता और ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखता, इसलिए अपन क्या यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिखता है और ऐसा स्टाइल भी देखे थे, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर में हो जाए तो क्या करेंगे, तो स्टाइल में भी अपन रूल बताए थे, उसमें भी आपको क्या बोले थे कि जो एक्स स्क्वायर होगा उसके जगह पे क्या करना, आपको कोई पुट कर देना, जैसे जेड इज अ वाई ऐसा कोई चीज पुट कर देना। आप बुक की बात करें तो उसमें ज्यादातर अभी इस वाले में आपको वाई ज्यादा मेंशन किया हुआ, वाई पुट करना ये चीज से, देन आपकी बात कर ले तो आप जेड भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है तो मैं बात कर लूँ इसमें, अगर आप एक्स स्क्वायर बराबर में आप जेड पुट कर देते एक दे देते, अगर पुट करते एक्स स्क्वायर बराबर में जेड तो टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी जेड, एक्स डी एक्स बराबर में आपको डी जेड बटा में, आप ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दे, मतलब आपको dz बट्टा में 2 मतलब 1 बट्टा 2 बाहर, x स्क्वायर की जगह पर z प्लस ए स्क्वायर और ये z प्लस का बी स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या ये आपको क्वाड्रेटिक है, आप बोलेंगे बिल्कुल है नहीं, ये कांस्टेंट है, बी ए कांस्टेंट है, इससे क्वाड्रेटिक कुछ तो नहीं होता, क्वाड्रेटिक होने के लिए मेरा z मेंशन करता पहले क्वाड्रेटिक बैठा हुआ था दोनों। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है, अब नॉर्मल फॉर्म है तो आप तोड़ दीजिए आसानी से, जो जो चीज आपको ए बट्टा बी बट्टा करके, मतलब आपको ये करना 1/2, आओ पहले तो मिलेट करना पड़ेगा ना, अच्छा वो क्या है मिटाने वाला कहाँ चला गया, ओ ऐसा कर लेते ना आप, इसी में अगर हम मेंशन कर दे तो नहीं होगा क्या एक ही साथ में, और जिससे क्या फायदा होगा अपना कि यहां पर इंटीग्रेट भी कर देंगे। चलिए लिखते हैं इस चीज को जो है ना, इंटू में लिखा हुआ और एक इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे ऐसा कर दीजिए जोड़ घटाओ में, हाँ ऐसा कर दीजिए, ये 1/ जेड स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डाल दीजिए, -1/ जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डालिए, दिख रहा है क्या, अगर आप ऐसा करते हैं और यहाँ पर अच्छा लघुत्तम इसका लीजिए तो कितना होता लघुत्तम, अगर हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो वही है पहुँच गए मंजिले पे, बट ये चीज़ 1 में गुना होगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे माइनस, ओह जेड स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, माइनस का जेड प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल, अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब गुना करना पड़ेगा इससे भी, आप गुना कर दीजिए इंटू 1/ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे भाई ऊपर ये चीज़ बचेगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन दोनों को कटने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, इससे जो एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो कट जाएगा, वापस से अपने को यही प्राप्त होगा। हाँ अच्छा मिटा देते इस वाले पार्ट को, देखिए अब तो ये पार्ट अपना मिट चुका है, अब दिक्कत नहीं होगी आगे। अच्छा एक चीज़ है इसमें आपको डी जेड काम कर रहा था, डी जेड डालना है, डिजिट में कोई नौटंकी नहीं, जो है वो तो लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा कर दीजिए ना ये कांस्टेंट, इसे बाहर करिए तो बाहर आ जा भाई, तू बाहर इसको करिएगा तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन आपको 1/ जेड प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1/ जेड स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी जेड। अच्छा ये जेड स्क्वायर का कोई चक्कर उक्कर नहीं है, मतलब ओनली जेड है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसे अकेला अकेला काम कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी और लॉग का फॉर्मूला भी लग जाएगा, है ना। चलिए अप्लाई करिए, आपको जो है इसको अलग अलग कर ले, अच्छा उतना खास बात क्या, अभी अलग अलग नहीं कर सकते थे क्या, मैं तो एक स्टेप खा जाऊँगा, इधर डी जेड और यहाँ पर एक मिटा भी दूंगा एंड माइनस डाल के ये वाला, अरे यार अकेला अगर कर दिए तो ये दोनों में मल्टीप्लाई है तो बड़का वाला ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा तभी तो काम करेंगे दोनों के लिए, और डी जेड और ये वाले के लिए माइनस 1/ में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड। हाँ एक चीज है, ये नॉर्मल जरूर हो गया यहाँ से, क्योंकि देखिए ये चीज जो कांस्टेंट वाला चक्कर है इसके तो इसके साथ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, कोई फायदा नहीं है।
इसकी बात कर ले या आपको x प्लस का ए स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, ये ऐसा अगर हमारे पास कोई इस तरीके से हो जाता है वन बट्टा में x, तो इसका log x लिखते इंटीग्रेट, ये भी तो वही है भाई, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए ना ये तीन का स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर नौवे ना होगा, मतलब एक कॉन्स्टेंट की तरह डिनोट हो रहा, मतलब आपको लॉग जेड प्लस का बी स्क्वायर इन माइनस लॉग जेड स्क्वायर जेड प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अपन को, दिक्कत का तो कोई चक्रे नहीं, आगे वाले में काम कर लेते हैं। ये वन बट्टा में टू ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, देन ये इसकी बात कर ले अपन, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं ये मुझे बताइए, क्या ये log m मतलब log m माइनस log n फार्मूला क्या होता है, log m बाई n का फार्मूला होता है, यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं log m बाई n, m के जगह पर इतना, m के जगह पर इतना, मतलब z प्लस बी स्क्वायर बट्टा में z प्लस का ए स्क्वायर, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, चलते हैं। अगर आप यहां तक आ चुके और ये ऊपर जाएगा तो आप इसे क्या कहेंगे पता है, ये वाले पार्ट में कि वन बट्टा में टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन आपको यूजेस जो यहां पर होगा ये। अच्छा एक चीज है, जेड का मान अपन पुट किए थे ये एक्स स्क्वायर बराबर में, अपोजिट पुट करिए, जेड का मान पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, मतलब आपके पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आपको यहां पर आ चुका इस वाले पार्ट में जेड की जगह पर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आपका क्या आ चुका है यहाँ पर, मतलब हमने जेड की जगह पर अपोजिट क्या कर दिए पुट कर दिए, तो ये आ चुका आपका, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, हमने एम बाई एन को आपको तोड़कर ही निकाला, आप इसको वापस एम बाई एन लगा नहीं सकते, नॉर्मल चीज़ है आपका, ये क्या चीज़ आ चुका है सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेंशन करना भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर नहीं भी मेंशन किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको आ सकता है। तो आप ऐसा करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं इसमें।